बायोब्लास्ट में आपका स्वागत है और आज का लेक्चर हमारा पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में ही है। ठीक है, हम पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले लेक्चर में शुरुआत में हमने समझा, डाइवर्सिटी को समझा, क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो क्या हो रहा है वो तो पता चला, क्यों हो रहा है ठीक है ये भी हमने देखा, ठीक है, और कैसे हो रहा है ये भी देखा। उसके बाद हमने पॉपुलेशन देखे, इकोसिस्टम को समझा थोड़ा सा, पॉपुलेशन का मीनिंग समझा, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को समझा हमने, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स को समझा, ठीक है। एट्रीब्यूट समझने के बाद आज हम समझेंगे कि पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन होता है, ठीक है, मेल फीमेल का या मेल फीमेल के साथ साथ जैसे एडल्ट हो गए, बच्चे हो गए और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेजेज है, मतलब जो एक एडल्ट के बाद होता है ना कि स्टेज ऐसी आती है कि अब हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, सपोज ऐसा सिचुएशन है तो वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। तो तीन स्टेजेज, हम ह्यूमन की बात करें, किसी एनिमल की इन जनरल, तो एक आएगा प्री, एक आएगा रिप्रोडक्टिव और एक आएगा पोस्ट, ये तीन स्टेजेज हैं एक्चुअली में। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे, इन्हीं को अगर हम अरेंज करेंगे किसी भी ऑर्डर में तो इसको हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम पिरामिड बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एज पिरामिड। भाई प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज जो है ये किसके बेसिस पे है, एज के बेसिस पे। मान लीजिए प्री रिप्रोडक्टिव 10 साल वाला कोई बच्चा है, आदमी की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज 10 से 40-45 तक हम मान लीजिए, अब पोस्ट रिप्रोडक्टिव आफ्टर 45। तो मतलब यहाँ पे हम 45 से लेके जब तक ये जिंदा है तब तक हम इनको पोस्ट में रखते हैं। तो इनका कितना नंबर है, जब इसी को किसी कंट्री के लिए, किसी पॉपुलेशन के लिए जब हम अरेंज करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, एज पिरामिड। ठीक है, गीजा का पिरामिड जैसे होता है नॉर्मली ऐसे स्ट्रक्चर, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन ये पिरामिड का स्ट्रक्चर ऐसे ही बने जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है। जो बहुत पहले एकदम स्टार्टिंग में और बीच में जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो मैक्सिमम पिरामिड हमको ऐसे ही दिख रहे थे, इसीलिए हमने इसको एज पिरामिड बोल दिया। लेकिन बाद में जब पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन शुरू हो गया, मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन होके, मतलब डेथ और बर्थ रेट धीरे 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 बराबर आना शुरू हुआ, तब इसका शेप जो है वो चेंज होते गया। उसी बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स के जो है ना एज पिरामिड्स जो है हमको देखने को मिलते हैं किसी पॉपुलेशन में या किसी कंट्री की पॉपुलेशन को हम अगर स्टडी करें तो। तो मीनिंग समझ में आ गया एज पिरामिड का। अगर हम जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनके एज के बेसिस पे उनको ग्रुप में डालते हैं, ग्रुपिंग करते हैं और उसको प्लॉट करते हैं, पॉपुलेशन को प्लॉट करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एज पिरामिड बोलते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जनरली जो एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेल एंड फीमेल का वो दिखाया जाता है। तो हम इसको काट देंगे यहाँ से, तो एक हो जाएगा मेल का और एक हो जाएगा फीमेल का, दोनों दिखाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हमने क्वेश्चन बनाया भी था इस पे अपने पेपर में, ठीक है, अभी पढ़ लीजिए, फिर मैं पेपर भी करवाऊंगा ऐसे ही, हालांकि मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, पहले बता रहा हूँ, सॉल्व आपको करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ूंगा, रुकूंगा, ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं डेली करवाऊंगा। अभी पहले जो ये सीरीज शुरू किए हैं इसको थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए, आप लोग सब्सक्राइब करिए, खुद भी वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर भी करिए, तब ना मज़ा आएगा, थोड़ा मज़ा आना चाहिए। ठीक है, मेरा इंसेंटिव बस इतना ही है, ठीक है, मेरा इंसेंटिव क्या है, आप हमको सब्सक्राइबर बेस बढ़वाइए, ठीक है, लाइक्स बढ़वाइए, ठीक है, और कमेंट्स बढ़वाइए, खुद करिए, बढ़ाइए भी, शेयर करिए वीडियो को, यही है हमारा। ठीक है, आपका इंसेंटिव क्या है, आपका इंसेंटिव क्या है, सिलेक्शन, आपका इंसेंटिव यही है, और इससे बढ़िया क्या चीज़ होगी। तो यहाँ पे हम एज पिरामिड की बात कर रहे हैं, तो अगर हम प्लॉट करते हैं एज पिरामिड को ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, तो हमको तीन टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। क्या क्या, एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसमें हमको पॉपुलेशन ग्रो कर रही होगी, मतलब एक टाइम पे पॉपुलेशन, मान लीजिए हमारी पॉपुलेशन 1950 में या 1900 में कोई पॉपुलेशन थी, मान लीजिए एक्स, ठीक है, तो 1900 से 2000 मतलब 100 साल के बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी हुई, एक्स प्लस वाई, ठीक है, वाई जो ग्रोथ हो गया, एक्स प्रीवियस पॉपुलेशन, वाई जो हो गया वो क्या हो गया, ग्रोथ हो गया।
ठीक है, तो अगर ऐसा बोलेंगे हम तो इसका मतलब पॉपुलेशन जो है ग्रोइंग है। दूसरा हमको मिलेगा स्टेबल। अब मान लीजिए ग्रोथ हो रही थी, कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है, ग्रो हो रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना भाई, आदमी मर भी रहे हैं और पैदा भी हो रहे हैं, दोनों चीजें हो रही हैं। ये तो अटल सत्य है ना कि जो पैदा हुआ है, जो बॉर्न हुआ है धरती पे, वो क्या होगा, उस मरेगा भी। ये अटल सत्य है, यही दो सत्य एग्जिस्ट करते हैं, बाकी इसी के बीच में है सारी चीजें, ठीक है, दो ही अटल सत्य हैं। सो जितने लोग हैं वो मरेंगे, और मरेंगे और कुछ लोग पैदा हो रहे हैं, तो मरने का रेट अगर ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी नो, और अगर पैदा होने का रेट ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, समझ में आया। और अगर बर्थ और डेथ बराबर हो गए तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। मीनिंग समझ में आया, तीन चीजें हमने बताई। अगर बर्थ रेट बी आर लिख दीजिए, या सीधे सीधे बर्थ बोल रहे हैं, अगर ये ज्यादा है किससे, डेथ रेट से, डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन क्या करेगी, ग्रो करेगी। अगर बर्थ रेट ठीक है कम है और डेथ रेट ज्यादा है, तो पॉपुलेशन क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी। और अगर बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट हो गया, तो इसका मतलब पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल है। तो तीन टाइप का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है यहाँ पे, क्लियर है। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, यही चीज मैंने बताया था सबसे। देखिए बेसिक हमने बताया था ना कि जब एकदम शुरुआत में पॉपुलेशन ग्रो कर रहा था, तो हमको ये पिरामिड, यही गीजा का पिरामिड दिखता है ऐसे ही, ठीक है। अगर हम गीजा के पिरामिड की बात करते हैं, तो गीजा का पिरामिड जो होता है ना, ऐसे ही दिखता है। गीजा इजिप्ट का पिरामिड, EGYPT इजिप्ट का पिरामिड, ठीक है, ऐसे ही दिखता है ना। अरे ये पिरामिड का मतलब समझिए मत, इसी में मम्मी है, ठीक है, मम्मी जी जैसे जैसे यहाँ पे होते हैं टूम्ब, टूम्ब या टॉम्ब आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टूम्ब। तो ये टूम्ब में क्या होता है, अरे कॉफिन है, इसी के अंदर दफनाया गया है बेचारों को, ऐसे समझ रहे कि नहीं, ऐसे ही दफन है, इसी के ऊपर क्या बना दिया गया है, टूम बना दिया गया। लो भैया हम घूमने जाते हैं इसी के लिए, यहाँ क्या है, कबर है, कबर। तो ऐसे ही इजिप्ट में भी ममीज और ये सब चीजें हैं, ठीक है, इसके नीचे हम मूवीज बनती हैं तो कहते हैं ना खजाना ढूंढने जाते हैं पिरामिड के अंदर। एनीवे वर्ड वहीं से लिया गया है। सो यहाँ पे तीन स्टेजेस देखिए, प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब ये चिल्ड्रेन या चाइल्ड वाली स्टेज है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है, ये एडल्ट स्टेज है, एडल्ट स्टेज का मतलब जिसमें हम रिप्रोडक्शन करके बच्चा पैदा कर सकते हैं, अरे शादी वाली एज, सीधी सी बात है, शादी वाली एज रिप्रोडक्टिव एज है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव, शादी के बाद मेल के केस में अगर हम बात करें तो दे कैन ऑलवेज प्रोड्यूस, जब तक जिंदा है और चीजें कुछ हैं सही तरीके से फंक्शनिंग है तो बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये फीमेल के केस में अप्लाई नहीं होता है, तो हम इसलिए उनकी बात करते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव केस में, ठीक है। अब पहले केस में क्या है, ये पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग क्यों है, देख रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का जो नंबर है ना बहुत ज्यादा है, तो सोचिए कि फ्यूचर में यही बच्चे जो है एडल्ट बनेंगे, तो इतनी पॉपुलेशन बाद में एडल्ट बनेगी, और यही बच्चे फिर एडल्ट जब इतने बनेंगे तो इससे फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव में मतलब थोड़े कम होंगे लेकिन जाएंगे ना, तो मतलब इसलिए एक्सपेंडिंग है कि फ्यूचर में ये जो बच्चे हैं एडल्ट में पहुंचेंगे, एडल्ट पहुंचेंगे तो इसका मतलब फिर से इतना पूरा पॉपुलेशन एडल्ट हुआ ऑलमोस्ट, तो ये इतने बच्चों को जन्म देंगे तो फिर से क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड करेगा, समझ रहे कि नहीं। तो प्री रिप्रोडक्टिव अगर स्टेज में ध्यान रखिएगा, अगर ग्राफ आता है या ये पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है अगर ये आता है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि इसका बेस किसी भी फॉर्म में, ये इमेज के फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकता है और लिख भी सकता है आपका, कि अगर प्री मतलब जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है, ठीक है, ये अगर ज्यादा है किससे, रिप्रोडक्टिव स्टेज से, तो ये पॉपुलेशन क्या होगी, स्टेबल होगी, एक्सपेंडिंग होगी, डिक्लाइनिंग होगी, या कुछ भी हो सकती है। तो स्टैंडर्ड केस में ये पॉपुलेशन क्या होगी, एक्सपेंडिंग होगी। और अगर प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज अगर कम हो गया किससे, रिप्रोडक्टिव से, तो ये पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, एक्सपेंडिंग रह जाएगी, या स्टेबल रह जाएगी, या डिक्लाइनिंग हो जाएगी।
अरे बाबा बता दिए ना, प्री रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चों का नंबर कम है, तो फ्यूचर में कम एडल्ट बनेंगे उस जगह पे। मतलब आपकी फैमिली में मान लीजिए कि अभी आप 5 लोग हैं, 5 एडल्ट हैं, शादी वादी करके मतलब 10 पेयर लोग हैं, तो अभी जो है बच्चे अगर पैदा आप करते हैं, ठीक है, बच्चे आपने पैदा किया कितना 20, तो फ्यूचर में 20 बच्चों की शादी होगी तो टोटल 40 लोग हो जाएंगे आपकी फैमिली में, बढ़ गया पॉपुलेशन। लेकिन मान लीजिए कि आप 5 लोग हैं नॉर्मली, तो इसमें से 3 लोगों ने शादी की मतलब 6 कपल बने और 2 लोग ने नहीं किया शादी, और 6 में से मान लीजिए कि बच्चे पैदा लोगों ने 2-2 नहीं किए, 1-1 किए केवल, तो सबके कितने बच्चे रह गए, 6 ही बच्चे रह गए। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या हो रहा है, टोटल पॉपुलेशन यहाँ 8 लोग हैं, ठीक है, और अभी नई जनरेशन में कितने बच्चे आए, 6 बच्चे, तो 6 बच्चे बढ़ेंगे भी, शादी भी करेंगे, या हो सकता है ऐसे ही करें तो पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए 6 में से यहाँ पे 3 ही आ गए, तो इसका मतलब क्या है, टोटल यहाँ पे 3 आ गए, ठीक है, 3 से अगर शादी भी करते हैं 3 से 6 होंगे, तो पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो बात यही है कि बच्चों का अगर नंबर कम होगा, ये देखिए, ये बच्चों का नंबर कम होगा किससे, जो एडल्ट पॉपुलेशन है, मतलब अगर घर में बच्चे 3 हैं और एडल्ट जो हैं वो 6 हैं, ठीक है, तो फ्यूचर में ये पॉपुलेशन इन जनरल केस में बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी भाई, ओवरऑल घटेगी, ठीक है, फ्यूचर में। तो बस ये ध्यान रखना है। तो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज, तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है इसका पॉपुलेशन कम है किससे, रिप्रोडक्टिव स्टेज से, तो पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्लाइनिंग होगी। और अगर इन जनरल अगर प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव स्टेज है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज का जो नंबर है ये दोनों बराबर है, तो पॉपुलेशन क्या होगी, स्टेबल होगी, स्टेबल होगी, स्टेबल होगी। और ये बीच में लाइनिंग किस लिए खींचा है, क्यों, क्योंकि फीमेल और मेल दोनों को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, दोनों को बता रहा है। मीनिंग समझ में आया, आपको इन्हीं चीज से क्वेश्चन बनाएगा और इसी चीज की बेसिस पे आपको समझना है। बाबा जी जितने लोग आप लोग बैठे हो ना, तो ध्यान रखिए कि आपको क्या समझना है और कैसे चलना है, कैसे ये चीजें रेडी होंगी, कैसे आपका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे सब याद होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना इसके बेसिस पर भी आपको क्वेश्चन बना सकता है। तो प्लीज डू रिमेम्बर, 2 चीजों का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, रिप्रोडक्टिव फेज एंड प्री रिप्रोडक्टिव फेज। इसी में कॉन्सेप्ट है एक TFR का, आपको पता होगा, अगर GS थोड़ा सा भी ध्यान रखते होंगे तो TFR का कॉन्सेप्ट होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका मीनिंग एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी वीमन अगर अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा कर सकती है, ठीक है, उसी को TFR बोलते हैं। तो इस TFR को हमको डाउन करके लाना था अपनी कंट्री के लिए, कितना, 2.1 लाना था, 2000 अभी मतलब नेक्स्ट सेंसर तक लाना था, लेकिन हम ऑलरेडी इससे नीचे चले गए हैं। किसी किसी मतलब स्टेट में तो हमारा TFR 1.6 पहुंच गया है, साउथ इंडियन स्टेट केरला वगैरह में इतना पहुंच गया है, बिहार वगैरह में, यूपी वगैरह में, अभी बिहार में 3.6 ऐसे है, यूपी में डिक्लाइन हो रहा है लेकिन अभी भी ऊपर है। नॉर्थ इंडिया में जिस दिन 2 के नीचे आ गया तो हमारी पॉपुलेशन बड़ी तेजी से डिक्लाइन करेगी। और ये अगर कंट्री लेवल पे बात करें तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन किसकी है, जापान की। मतलब जापान में इस समय आपको जो मेजरली पॉपुलेशन दिखेगी, ओल्ड दिखेगी, क्या मोर देन 80 ईयर्स वाले जो है ना वहाँ ज़्यादा दिखेंगे। और आपको बता दूं, जापान में अगर आप नौकरी करने के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ आपको मेड जो है ना नहीं मिलेगी, मेड जो है ना वहाँ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे बड़ा चौड़ा होकर आप बोल देते हैं ना, अरे हम खाना बनाने वाली रख लेंगे, नहीं आएगा तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। गलती से भी ऐसी कंट्री के अगर आप शिकार हो गए, कंट्री में चले गए ना, तो डू नॉट गो। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मत जाइए, नहीं अगर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तभी जाइए। इंडिया के केस में अगर हम बात करें, ठीक है, इंडिया के अगर केस में बात करें तो जो नागालैंड है, ठीक है, इसकी भी पॉपुलेशन थोड़ी डिक्लाइनिंग टाइप से थी, मतलब अभी एकदम से नहीं थी लेकिन है, ठीक है। अदरवाइज हमारी कंट्री का TFR अब हम 2.1 से या 2.1 से नीचे आ गए। इसका मतलब क्या है, ये TFR जो है ना ये रिप्लेसमेंट वाला है, कि इस TFR पे अगर ओवरऑल हमारी कंट्री में ये TFR जब भी पहुंच जाएगा ओवरऑल, तो
तो इसका मतलब हम रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच गए हैं। कहने का मतलब हमारी पॉपुलेशन स्टेबल होने वाली कैटेगरी में है, डिक्लाइनिंग नहीं है अभी, स्टेबल। अब जब इससे नीचे ओवरऑल हमारा पहुंच गया, मतलब 1.9 हो गया हमारा, हो चुका है ऑलमोस्ट, तो हम अभी डिक्लाइनिंग पे है नहीं, क्योंकि अभी वो टाइम पहुंचेगा। तो हमारा 2050 तक या 45-50 के बीच में जाएंगे ना, इसके बाद शुरू होगा क्या डिक्लाइनिंग। पहले स्टेबल पे पहुंचेंगे और फिर यही कंडीशन जब एग्जिस्ट करेगी 2-4, 10 साल, 15 साल, 20 साल और देन वी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। अभी तो हमारा वार चल रहा है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी पॉपुलेशन को यंग बनाए रखना है। खैर वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये डेमोग्राफी है ना एक्चुअली में, डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी पॉपुलेशन को ही बताता है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट या कोई भी चीज हम अगर फायदा ले रहे हैं पॉपुलेशन से तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डिविडेंड, डिविडेंड नॉट डिविडेंट, ओके। चलिए इतना समझ लिए, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ओके। अभी हम पॉपुलेशन ग्रोथ पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम पॉपुलेशन जो स्ट्रक्चर था उसी को पढ़े हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको दिया हुआ है कि भाई पॉपुलेशन साइज को हम कैसे मेजर करते हैं, बस उसकी बात किया है। तो पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं, सिंपल सी बात। सबसे बेसिक मेजर क्या है, नंबर। यहाँ पे हम देखिए लाइन पढ़ेंगे नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ गया। हम कुछ कुछ चीज़ों के लिए नंबर के बेसिस पे, मान लीजिए कि 10 कुत्ते हैं, 20 कुत्ते हैं, 50 कुत्ते हैं, 500 कुत्ते हैं, डॉग, ठीक है। बुरा मत मानिएगा भाई कुत्ता बोलने पे, कुत्ते कुत्ता ही बोला जाएगा, ठीक है। आप नाम रख के इधर उधर कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन दे आर कुत्ता, दे आर डॉग्स, तो उनका हिंदी में कुत्ता ही होगा, ठीक है, कुत्ता बिल्ली जो भी है। तो उनको हम नंबर के बेसिस पे जो है ना उनकी डेंसिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और सबसे ये बेसिक पैरामीटर है। लेकिन इन जनरल हम ऐसे नहीं करते। मान लीजिए कि हमको पॉन्ड है, कोई पॉन्ड में हम ये पता करना चाह रहे हैं कि भाई इसमें फिश की डेंसिटी कितनी है, फिश की डेंसिटी कितनी है। तो क्या आपको लगता है कि हम नंबर काउंट करके कर सकते हैं यहाँ पे? अगर हम फिश की बात कर रहे हैं किसी तालाब में, किसी रिवर में, अगर हम फिश की बात कर रहे हैं तो हम फिश की डेंसिटी उसके नंबर से पता कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे भाई, कैसे कर लेंगे, आपको कैसे पता कितनी मछलियां हैं? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो जाल लगाते हैं ना, मान लीजिए हमने जाल लगा दिया, ठीक है, तो एक जाल में एक बार हमने जाल फेंका तो इसमें कितना फिश आया, नंबर के बेसिस पे ही कितना फिश आया पर कैच, पर कैच। हम इसके बेसिस पे अनुमान लगाते हैं कि डेंसिटी फिश की क्या होगी, समझ रहे हैं कि नहीं, डेंसिटी फिश की क्या होगी, क्लियर है। और मान लीजिए कि बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, और वहीं पे एक क्या है, सुंदरबन का ऐसे बनियान, क्या है, बनियान ट्री है। अब इस पे 50 बर्ड बैठी हुई हैं, 500 इंसेक्ट बैठे हुए हैं, 5000 जो है और छोटे उसमें ऑर्गेनिज्म है। अब ये बताइए कि यहाँ पे डेंसिटी इसकी ज्यादा है, बर्ड की ज्यादा है, या इस प्लांट की डेंसिटी ज्यादा है, किस बेसिस पे किसको कैसे निकालेंगे? तो इंसेक्ट की या बर्ड की डेंसिटी हम नंबर के बेसिस पे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्या अगर हम बनियान ट्री अकेला है लेकिन ये फैला हुआ है, पता चला कि पूरे 1-2 बीघे में, ठीक है, 1 एकड़ में फैला हुआ एक ही बनियान ट्री, तो हम नंबर के बेसिस पे क्या डेंसिटी बोल पाएंगे कि ये कम डेंसिटी का है कि ज़्यादा डेंसिटी का है? शायद गलत, अगर नंबर को काउंट करके बोलेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो एजम्पशन है, जो हम किसी को बता रहे हैं ना, तो परसेप्शन उसका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके पूरे जो ये कवर है ना इसका जो, ठीक है, ट्री कवर की बात करते हैं, या इसके हम बायोमास की बात कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया नहीं, समझ में आया? सो, अगर हम इसके नंबर के बेसिस पे करेंगे तो इसका रोल जो है ना, हम इसको अंडर एस्टिमेट कर देंगे। भाई प्लांट एक ही है लेकिन इकोसिस्टम में ये कीस्टोन की तरह काम कर रहा है। जंगल में जैसे हाथियां होती हैं, उसमें ग्रासलैंड में हाथियां जो होती हैं कीस्टोन की तरह काम करती हैं, ऐसे ही ऐसे जगह पे बनियान ट्री आल्सो कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है। सो, इसका जो रोल है कम्युनिटी में,
उसके रोल को हम अंडर एस्टिमेट करेंगे अगर हम नंबर काउंट करने लगे। अब यहीं पे घासें हैं, कैरेट ग्रास है या कुछ और है, हम बोल दिए भैया इसका नंबर ज्यादा है, इसका मतलब इसका रोल, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसका रोल नेचर में ज्यादा है। नहीं, बनियान ट्री अकेला है लेकिन इसका रोल ज्यादा है। बनियान ट्री जो की स्टोन स्पीसीज बना है, क्यों? क्योंकि इसका रोल ज्यादा है। तो हम खाली नंबर के बेसिस पे नहीं कर सकते, तो हम वहां पे क्या लाते हैं, बायोमास लाते हैं या परसेंट कवर, ये टोटल कितना एरिया कवर कर रहा है। क्लियर हुआ? अभी हम डिफरेंट चीज के लिए डिफरेंट टाइप से डेंसिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, ठीक है। ऐसे ही हम बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया का डेंसिटी हम नंबर कह रहे, भाई नंबर कैसे काउंट करेंगे? तो हम जब ब्रॉथ कल्चर होता है, लिक्विड कल्चर होता है, तो उसमें हम ओडी निकालते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी निकालते हैं, जितना डाजर डेंसिटी रहेगा पता चलेगा भाई कितना डेंसिटी है। और अगर हम अगर पेट्री प्लेट पे यहाँ पे ग्रो करा रहे हैं तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ना कितना ज्यादा फैला हुआ है, तो इसके बेसिस पे फाइन करते हैं, नंबर के बेसिस पे नहीं फाइन करते हैं। क्लियर है? ऐसे ही रियल में अगर हम इकोलॉजी की हम बात करते हैं तो बहुत केसेस में हमको ऐसा मिलता है कि भाई एब्सोल्यूट डेंसिटी हमको नहीं मिलती है। शायद बहुत सारे केसेस में एब्सोल्यूट डेंसिटी की जरूरत भी नहीं होती है और एब्सोल्यूट डेंसिटी फाइंड करना भी मुश्किल होता है। तो वहां पे हम क्या लाते हैं, रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लाते हैं, और रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पर्पज को फुलफिल कर देता है। रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब होता है, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की हम बात करते हैं वैसे रिलेटिव डेंसिटी है कि भैया इसके कंपेयर में ये कितना है। ओवरऑल कम ज्यादा की हम बात नहीं करते हैं। मान लीजिए दो सिस्टम है तो ये बी वाला जो सिस्टम है ए के कंपेयर में कितना ज्यादा या कम है, इसकी डेंसिटी इससे कम है या ज्यादा है, बस हमारा काम नेचर में हो गया। इकोसिस्टम या इकोलॉजी के, इकोलॉजी का जो डिस्ट्रीब्यूट मतलब स्टडी है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमारा काम हो गया, ठीक है। तो हम रिलेटिव डेंसिटी की भी बात करते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी की भी बात करते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट डेंसिटी की अगर जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वहां रिलेटिव डेंसिटी से काम हो जाता है, लगभग सेम पर्पज वो फुलफिल करते हैं। क्लियर है इतनी चीज की नहीं, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ये हमने इतना समझाया, इसको आप पढ़ेंगे, इतना सा है, छोटू सा, लेकिन हमने फिर भी चीजों को समझाया है तो आप देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, देखिए क्या है, तो ये मेजरमेंट के बेसिस पे कि हम देखिए, है ना, फिश की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ फिश कॉट मतलब कैच और ट्रैप इज अ गुड एनफ मेजर फॉर द टोटल पॉपुलेशन और डेंसिटी इन द लेक पॉन्ड रिवर जो भी है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, एक ये चीज याद रखिएगा, टाइगर के सेंसस की बात करते हैं, किसी नेशनल पार्क में कितने टाइगर्स हैं या किसी टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर हैं, तो इनकी नंबरिंग बहुत तरीके से होती है, ठीक है। एक तरीका उसमें जो पुराना तरीका था, पग मार्क, पग मार्क मतलब जो उनका पैरों के निशान होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। पग मतलब पैर, यहाँ पे पैरों के निशान की बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरा फीकल प्लेट, जो उनका पोटी है ना, जैसे बकरियों का जो पोटी होता है, हिंदी में गांव में लेड़ी बोलते हैं, ठीक है, तो पोटी के बेसिस पे, जैसे हाथियों का भी होता है ना, तो ये सब इंसेक्ट का वो भी उनका ना बायोमार्क है भाई, आप ये मजाक मत लीजिए, बायोमार्क है। फीकल प्लेट के बेसिस पे बता देते हैं कि ये टाइगर कौन था, अलग था कि सेम था। पग मार्क जैसे हमारा बायोमेट्रिक फिंगर्स होता है, आधार कार्ड में चिपकाए हुए है ना, पैसा निकालने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, उनका भी ये क्या है, बायोमेट्रिक है ये। तो फीकल प्लेट उनका जो पोटी है ना, पोटी भी उनका बायोमेट्रिक है, पोटी के बेसिस पे भी हम पता करते हैं। लिटरली मजाक मजाक नहीं है, लिखा भी है ना यहाँ पे, तो ये मजाक नहीं है, इसके बेसिस पे किया जाता था। और आजकल हम फोटो ट्रैप भी लगाते हैं, ऑटोमेटिक कैमरा फिट करके रखते हैं फोटो ट्रैप, तो फोटो ट्रैप फोटो खींचता रहता है अपना। तो अगर मान लीजिए टाइगर घूमते हुए आया, फोटो उसने खींच लिया, तो हम सारी फोटो को एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे बताते हैं कि भैया इस जंगल में कितने टाइगर हैं। दूसरा क्या है, फोटो के ही बेसिस पे हम फोटो से ऐसे थोड़ी बता देंगे कि ये अलग टाइगर है, नहीं, फोटो में हम क्या देखते हैं, उनके ऊपर जो स्ट्रिप्स होती हैं, टाइगर को आप देखेंगे तो उनके ऊपर येलो एंड वाइट स्ट्रिप्स होती हैं इन जनरल, या ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। गोल्डन टाइगर होगा तो ऐसा होगा,
तो स्ट्रिप्स